बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पिरल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एम्पिरिकल रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था और साथ में हमने क्वालिटीज ऑफ गुड एवरेज को देखा था। इस लेक्चर में मजीद हम इसके टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और एक जो है वो टेक्स्ट बुक के दो क्वेश्चन किए थे, मजीद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन इस लेक्चर में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जी कि उसमें डेटा हमें गिवन किया है, लॉग एक्स की वैल्यूज गिवन है और हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है एक्स के लिए। तो ये कैसे होगा, हम सबसे पहले तो लोग एक्स की वैल्यू से एक्स को में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम जितने भी लोग एक्स की वैल्यूज हैं तमाम एक्स लोग एक्स की वैल्यूज का एंटी लॉग करेंगे। तो एंटी लॉग करने से हमारे पास क्या होगा, लॉग खत्म हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इस एक्स के कॉलम का जो है वो हम टोटल करेंगे, इस एक्स के कॉलम का टोटल अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ रहा है 3300 और ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अब इन वैल्यूज का मीन हमने फाइंड करना है, तो यानी 3300 को जो है वो हम डिवाइड कर देंगे 10 पे, तुम्हारे पास मीन आ जाएगा। अब एंटी लॉग जब हम करते हैं तो एंटी लॉग में आपको पता है कैलकुलेटर से ही किया जाता है, जैसे सबसे पहले वैल्यू का एंटी लॉग करना तो 2.39 का को लिखने से पहले शिफ्ट दबाकर हम लॉग का बटन प्रेस करेंगे, एंटी लॉग आ जाएगा और नेक्स्ट इसके बाद एंटी लॉग का सिंबल जो है वहां पे 10 लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लिखेंगे 2.3979, इक्वल करेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। इसी तरह से सारी वैल्यूज का एंटी लॉग भी करेंगे हम, ठीक है जी। अब अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले में लिखेंगे 3300 डिवाइडेड बाय 10, तो मीन हमारे पास आ गया 330। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास 3.8 है क्वेश्चन हमारा, तो टेबल गिवन बिलो इंडिकेट्स मार्क्स ऑब्टेंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन हाउस टेस्ट। हाउस टेस्ट के अंदर जो है वो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 3 सब्जेक्ट्स के अंदर, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और वी मैथ के अंदर। तो इन तमाम के अंदर हमने देखना है कि नंबर वन पहली चीज देखनी है जी के जो लोएस्ट है वो क्या है, लोएस्ट स्कोर कितना है और हाईएस्ट स्कोर कितना है, यानी किस सब्जेक्ट के अंदर जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो कम है और किस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो ज्यादा है। फिर उसके बाद इसी के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 3.9 वाले क्वेश्चन में उसने रिक्वायर्ड किया हुआ है कि आपने इसको वेटेड करना है, आपने इसको स्टूडेंट वाइज वेटेड मीन फाइंड करना है और उसमें देखना है कि स्टूडेंट वाइज वेटेड मीन में हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर क्या है, तो किस स्टूडेंट का हाईएस्ट और किस स्टूडेंट का लोएस्ट स्कोर है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम तीनों का जो है वो 3.8 के लिए हम तीनों का क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तीनों सब्जेक्ट्स का। तीनों सब्जेक्ट्स का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए तीनों को मैंने वेरिएबल नेम दे दिया, X1 अकाउंटिंग है, X2 इकोनॉमिक्स और X3 हमारे पास है बिजनेस मैथ। इन तीनों का टोटल करेंगे, अकाउंटिंग का टोटल किया 340 आ गया, इकोनॉमिक्स का टोटल किया 245 आ गया, इसी तरह से बिजनेस मैथ का टोटल किया तो 270 आ गया, यानी अकाउंटिंग X1 जो है वो हमारे पास आ गया 340 और फिर इसी तरह से इकोनॉमिक्स जो है वो X2 है और वो हमारे पास कितना आ गया 245, इसी तरह से बिजनेस में X3 है और इसका टोटल हमारे पास आ गया 270। अब ये तमाम टोटल्स को इस्तेमाल करते हुए हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे इन तीनों सब्जेक्ट्स का, तो कैसे होगा, सबसे पहले X1 बार फाइंड करते हैं, X1 बार किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन X1 ओवर N के, यानी 340 ओवर 5, 5 स्टूडेंट्स का डाटा है तो X1 बार किसके इक्वल आ गया, यानी काउंटिंग का जो मीन आ गया वो हमारे पास आ गया 68। इसी तरह से X2 बार हमने कैलकुलेट करना है, यानी इकोनॉमिक्स का मीन, इकोनॉमिक्स के मीन के लिए समेशन X2 ओवर N है, यानी 245 ओवर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, तो हमारे पास इकोनॉमिक्स का मीन आ गया जी 49। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे बिजनेस मैथ का मीन फाइंड करेंगे तो X3 बार इज इक्वल टू समेशन X3 ओवर N, यानी 270 ओवर 5 दैट इज इक्वल टू 54, तो बिजनेस मैथ का मीन जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है 54 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एवरेज किसकी है, अकाउंटिंग की है, इसका मतलब है लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो अकाउंटिंग में जो है वो मैक्सिमम है, ज्यादा है, हाईएस्ट है हाउस टेस्ट के अंदर, और इसी तरह से जो इकोनॉमिक्स की एवरेज आई है वो सबसे कम आई है, इसका मतलब है कि लेवल ऑफ नॉलेज इन इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे पास क्या है लोएस्ट है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडली जो 3.9 के लिए कैलकुलेशन उसने हमें मांगी है वेटेड मीन की,
तो वो कैसे करेंगे? वेटेड मीन के लिए आपको वेट्स गिवन होते हैं, वहां पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें वेट्स गिवन है, वेट्स तीन जो है वो वेट्स गिवन है हमारे पास, इकोनॉमिक्स का, अकाउंटिंग का और बिजनेस मैथ का। एक अकाउंटिंग का वेट यहाँ पर है जी, वेटेड वैल्यू अकाउंटिंग के लिए 7 है, इकोनॉमिक्स के लिए 5 है और बिजनेस मैथ के लिए 3 है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं मजीद कि इस पे कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि वेट हमें गिवन है अकाउंटिंग के लिए 7, इकोनॉमिक्स के लिए 5 और बिजनेस मैथ के लिए 3 है। तो इन सब के वेट्स ऊपर सबसे पहले आगे अब स्टूडेंट्स हमारे पास 5 हैं, 5 के 5 स्टूडेंट्स को मैंने जो है वो वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर दिया। पहला स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1502 है, इसका जो वेरिएबल है उसको मैंने कह दिया X1। इसी तरह से 1508 को X2, 1510 को X3, 1520 को X4, 1525 को X5। अब हम इन सब का वेटेड मीन हमने फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले वेटेड टोटल निकालने हैं। वेटेड टोटल कैसे निकलेंगे? यहाँ पर सबसे पहला टोटल हमने करना है वेट्स का, वेट्स का टोटल करते हैं। वेट्स का टोटल क्या आएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे वेटेड वैल्यूज को, 7 + 5 + 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 15। अब हमें जो है वो फर्स्ट स्टूडेंट का वेटेड टोटल चाहिए, तो ये कैसे होगा, 7 × 45 + 5 × 40 + 3 × 80 दैट इज इक्वल टू 755। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए करेंगे तो 7 × 75 + 5 × 37 + 3 × 70। फिर इसी तरह से उससे नेक्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए करेंगे तो 7 × 80 + 5 × 63 + 3 × 60। फिर उससे नेक्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए करते हैं, फोर्थ स्टूडेंट के लिए, तो 7 × 65 + 5 × 55 + 3 × 40 दैट इज इक्वल टू 850। नेक्स्ट इसी तरह से जो है वो लास्ट स्टूडेंट के लिए करते हैं, तो 7 × 75 + 5 × 50 + 3 × 20 तो ये हमारे पास आ जाएगा 835। ये सबके आगे जी वेटेड टोटल आ गए। अब इन वेटेड टोटल को वेट पे, टोटल वेट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका अर्थमेटिक वेटेड मीन आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर तमाम वेट्स हमें गिवन है। हाँ जी, वेटेड टोटल आ गया हमारे पास। अब इन वेटेड टोटल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने सब क्या मीन निकालना है सब स्टूडेंट्स का। सबसे पहले पहले स्टूडेंट का मीन निकालते हैं, X1 W bar जो है वो हमारे पास आ जाएगा समेशन W X1 ओवर समेशन W। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास की वैल्यूज आ रही हैं जिसमें 755 ओवर 15 50.33 आ जाएगा। इसी तरह से सेकेंड स्टूडेंट का वेटेड मीन फाइंड करेंगे, 920 ओवर 15 61.3 आ गया। इसी तरह से थर्ड स्टूडेंट का वेटेड मीन जो है वो 1055 ओवर 15 यानी 70.3 आ जाएगा। फोर्थ स्टूडेंट का वेटेड मीन जो है वो 850 ओवर 15 यानी 56.67 आ गया। फिफ्थ स्टूडेंट का वेटेड मीन जो है वो 835 ओवर 15 आ गया। फिफ्थ तो ये आ गया जी हमारे पास 55.67। अब अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो वेटेड मीन किसका है, सबसे ज्यादा वेटेड मीन है जी थर्ड स्टूडेंट का। थर्ड स्टूडेंट का वेटेड मीन सबसे ज्यादा है जिसका रोल नंबर है 1510। तो इसका मतलब है कि उसका जो स्कोर है वो हाई स्कोर है। इसी तरह से थर्ड स्टूडेंट का स्कोर जो है वो हाई स्कोर है। और सबसे कम स्कोर किसका आ रहा है, सबसे कम स्कोर आ रहा है फर्स्ट स्टूडेंट का, आ रहा है 1502 का। तो 1502 का जो स्कोर है वो लो स्कोर कहलाएगा। तो यही रिक्वायरमेंट थी हमारी इस क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, इंशाल्लाह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3.12 को देखते हैं। अर्थमेटिक मीन हमने कैलकुलेट करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें वैल्यूज हमें गिवन है 60 61 62 63 64। इंटरवल गैप जो है वो 1 है। इस तरह से इसी से पहले हमने जो इंटरवल गैप 1 है उसके लिए मोड कैलकुलेट करना, मीडियन कैलकुलेट करना हमने सीखा था। तो यहाँ पर हमने मीन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मीन कैसे कैलकुलेट होगा कि हमें x और f दोनों गिवन है, x को f से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी fx आ जाएगा, fx का टोटल करेंगे, f का टोटल करेंगे यानी समेशन fx जो है वो हमें टोटल करेंगे तो वो कितना आ रहा है 3403। और f का टोटल आ रहा है जी 55। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे 3403 डिवाइडेड बाय 55 तो ये आ गया 61.87। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, जज़ाकअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया, इससे होगा इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में वो आपने लाजमी सॉल्व कर लेने हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह।